हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक DIY लेके आई हूँ और वो DIY है अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है लड़कियों को यार अपने बाल बहुत पसंद होते हैं, वो बालों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो और अभी पता है अपने को रेनी सीजन चल रहा है और रेनी सीजन में जो ह्यूमिडिटी होती है उसके कारण जो हमारे हेयर फुल होते हैं या हमारे हेयर्स जो फिजीनेस आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू समर और विंटर्स हमें रेनी सीजन में अपने हेयर्स को लेके ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि रेनी सीजन में अगर आपने अपने बालों की अच्छे से केयर कर ली तो आपके बाल विंटर्स में भी अच्छे रहते हैं, इतना हेयरफॉल नहीं होता है, क्योंकि रेनी सीजन में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर के कारण हमारे हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रेनी सीजन में आपको क्या चाहिए कि आप अपने बालों का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखिए, और उससे क्या होगा आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं होगा, और डैंड्रफ नहीं होगा तो आपके हेयरफॉल भी नहीं होगा। तो मैं आज जो DIY लेके आई हूँ उसका मेन की इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा, और हमें पता है कि एलोवेरा हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एलोवेरा के अंदर आप कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिक्स कर दो कि आपके जो आपका जो हेयर मास्क है वो प्रॉपर तरीके से आपके हेयर के लिए वर्क करे। मेरा DIY है वो मेनली इसी के लिए वर्क कर रहा है कि आपका जो हेयर फॉल है या जो फिजीनेस है उसके लिए वर्क करे वो। और एलोवेरा है तो हमें पता है कि वो अपने बालों में किसी एक शाइन लेके आता है। जब भी हम एलोवेरा से रिलेटेड कोई भी मास्क यूज़ करते हैं तो वो शाइनिंग तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे बालों में आ ही जाती है, लेकिन उस एलोवेरा जेल के साथ आप क्या मिक्स करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके बालों पर कैसे वर्क करेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना DIY शेयर कर। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। मैंने एलोवेरा लीफ लिया है, आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है, और ये मेरा आधी कटोरी कर्ड है, और ये ग्रीसलिन लिया है मैंने। ग्रीसलिन आपको कोई भी ग्रॉसरी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने लिया है हनी, पतंजलि का हनी लिया है, आप चाहे तो कोई दूसरी कंपनी का भी हनी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एलोवेरा है उसका हम पल्प निकालेंगे, क्योंकि पल्प निकाल के ही हम उसको जेल बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले इसके साइड के पार्ट्स को अलग कर लेंगे, क्योंकि साइड्स के पास थोड़े से नुकीले होते हैं और उसका हाथ पे लगने का डर भी रहता है। तो पहले अच्छे से साइड के पार्ट को निकाल लेंगे, और नाइफ की हेल्प से हम जो एलोवेरा लीफ है उसके दो पार्ट्स बनाएंगे, ताकि दो पार्ट सेपरेट होने के बाद हम उसके बीच के पल्प को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो जैसे ही हम साइड के पार्ट को बीच में से कट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन बेस है एलोवेरा का वो भी हमारे जेल में मिक्स नहीं होगा, और जो इसका पल्प है वो भी हम इजीली निकाल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम दो पार्ट को कट कर लेंगे, और कट करने के बाद स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से इसके पल्प को निकाल लेंगे, और स्पून की हेल्प से इजीली आपको पल्प मिल जाएगा। ऐसा सच कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर के जार के अंदर ये सारा पल्प निकाल लेंगे, क्योंकि पल्प को हम हेयर मास्क में नहीं यूज़ कर सकते, हमको इस पल्प को जेल बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा इसको 2 या 3 सेकेंड्स के लिए चलाएंगे तो भी वो ईजिली हमको जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे पल्प को निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं कुछ भी हेयर मास्क बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करूँ, क्योंकि हमें इसको कोई ज़्यादा टाइम के लिए रखना नहीं है और कोई प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी होता है। एलोवेरा जेल थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि हेयर मास्क में हमें बहुत सारा एलोवेरा जेल लगता है। तो फ्रेश एलोवेरा के बहुत फ़ायदे भी हैं और बजट फ्रेंडली भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, एकदम नेचुरल चीज़ है। तो आप भी कोशिश करो कि आप फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करो, क्योंकि एलोवेरा ईजिली मिल जाता है और हम चाहें तो घर पर भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पल्प निकाल लिया है, और अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैं थोड़ा सा चला लूँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जेल बन गया है, और ये एकदम प्यारी सी कंसिस्टेंसी में आ गया है, एकदम जेल बेस की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। तो ये कर्ड में अपना वो इसके अंदर मिक्स करूँगी, और कर्ड के हमें पता है बहुत फ़ायदे हैं, कर्ड हमारे बालों में एक कंडीशनिंग लेके आता है। तो कर्ड मैंने इसके अंदर मिक्स किया है, और ग्रीसलिन क्या करता है, हमारे बालों में एक शाइनिंग लेके आता है। तो जितने भी हमारे फिजीनेस होती है वो ग्रीसलिन की हेल्प से चली जाती है। तो एक स्पून मैंने इसके अंदर ग्रीसलिन लिया है, और
ग्रीसलिन से बालों में एक शाइनिंग आएगी और फिजीनेस की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद मैंने हनी लिया है। हनी में हमें पता है अपने आप में बहुत ज़्यादा नेचुरल इफ़ेक्ट होते हैं, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है ये। तो हनी हमारे बालों में एक नरिशिंग लेके आता है, जो नरिशमेंट मिलती है हमारे बालों को, क्योंकि रेनी सीजन में हमारे बाल थोड़े से मतलब नरिशिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें नरिशिंग नहीं रहती है। तो हनी की हेल्प से हमारे बालों में नरिशिंग भी आ जाएगी। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से, क्योंकि सारे ही लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है, तो हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट एक हो जाने चाहिए। हम हेयर में लगाएं तो ऐसा नहीं है कि कर्ड हमारा कहीं और जा रहा है और एलोवेरा जेल कहीं और जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि ये किस किस तरीके से मेरा कर्ड थोड़ा थिकनेस में आ गया है और वो अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे प्रोडक्ट मिक्स हो गए हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो ये अब आपका मास्क आपके हेयर में लगाने के लिए रेडी हो गया है। और आप जैसे ही इसको लगाएंगे, आप 15 या 20 हाफ एन आवर इसको रख लीजिए बालों के अंदर और फिर बालों को वॉश कर लीजिए, तो ये एकदम से आपके बाल, उसके बाद देखिए आपके बाल कैसे होते हैं। सो